बिरजु कुलुंक परी आउ केते जण रही छंती पाकिस्तान जेल रे केबे फेरिबे सेमाने सेमाने आउ फेरिबे ना नाही एमिति प्रश्न कोन केबे आपणक मनरे उठिछि किंतु बिरजु पाकिस्तान रु फेरिबा परे एबे अनेक परिवार रे नुआ आशा संचार होइछि एक कथा सुनी आश्चर्य हो जाउथिबे निश्चय भाबुथिबे जे आमे एपरि काहे कि कहुछु खाली सुंदरगढ़ रो बिरजु नुहे आम देशर कोण अनुकोणरु एबे भी हजार हजार बिरजु पाकिस्तान जेल रे बंदी जीवन काटुछन्ति के रखिछि तार हिसाब दीर्घ 25 वर्ष बंदी जीवन काटिबा परे बिरजु फेरिछन्ति गांकु आउ तांकु देखि केवल तांक परिवार नुहे आहुरी अनेक परिवार मनरे आसीछि नुआ आशा आज्ञा हाँ एही घटना परे भद्रक आनंद पत्रीक परिवार रे भी नुआ आशा संचार होइछि भारत सरकार जेमिति बिरजु को निज गाँ को फेराई आनी ठीक सेमिति आनंद को फेराई आनिबा पई व्यवस्था करने को अनुरोध करिछन्ति तांक पुओ एबे आसंतु जानिबा ए आनंद किए आनंद पत्री घर भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक कल्याणी रे 31 बेंगल डिफेन्स रेजिमेंट रो जी कंपनी रो सिपाही जे कि भारत पाकिस्तान युद्ध बेले निखोज हो जाइथिले ता परठारु तांकु खोजुछंती परिवार लोके जदि बिरजु कुलु फेरी पारिछंती तेबे युद्ध बंदी आनंद कहि कि फेरी पारिबे नाही ए प्रश्न करुछंती परिवार आउ गा लोके 2003 मसिया रे पेपर गुटे एडवर्टाइज भला से देखि कि आमे बापा आगेथिले बहुत बार चेष्टा करिछंती से समय रे राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिले एमती आणिया प्रक्रिया प्रक्रिया करागला तापर वगा बॉर्डर पर्यंत बापा गले सेठी दुई दिन बसिक फेरिक आसे कि पाकिस्तान छाड़ला ना तब निराश मन में फेरले से दिन थोड़ा आम चुपचाप बसीलु कि आम देख लु ए दुई तीन दिन तले जड़े पाकिस्तान जेल रु 25 वर्ष पर फेरी तो आम मन में आशा संचार है कि जी सी 25 वर्ष पर फेरी पार्टी सी जो साधारण नागरिक है कि ये तो जड़े भारतीय सैनिक थे कौनपाई एत दिन है ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ କି ଜୀବିତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ ଯଦି କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୃତ ଅଛନ୍ତି କେବେ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛୁ ଉଇଥି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀର ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ 65ରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ ଲାହୋର ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥାଏ ସେ ମତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ କେମିତି ଯିବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଥାଆନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ତଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସେମାନେ କରିବେ ଟିକେ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେ ମିଲିଟ୍ରିରେ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଆଉ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆସିକି ଘରୁ ଫେରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ ଭାଇ ଜାଣିକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା ଆଉ ଆନନ୍ଦ 1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ଚାଇନା ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1965ରେ ପୁଣି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ନଥିଲା ସେନା ବିଭାଗରୁ କେବଳ ଚିଠି ଆସୁଥିଲା ଘର ଲୋକ ଯାଇ ଗାଁର ପାଠ ପଢୁଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇରେ ଆନନ୍ଦ ନିଖୋଜ ବାସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଇଲାନି ଘର ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ଅନେଇ ରହିଲେ କେବେ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିବ ଆନନ୍ଦଙ୍କର 2003 ଖବରକାଗଜରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାଁ ଥିଲା 178D
एबे लाहौर जेल रे बंदी अछंती किंतु मानसिक स्थिति भलो नाही। आनंद को पुओ बापा को चिन्हिले आ गृह विभाग सह जोगाजोग कले। सही वर्ष मे मास 29 तारीख रे चिट्ठी आसिला जे आनंद फेरिबे। पुओ विद्याधर सेथि पई वाघा बॉर्डर को गले। भारत सीमारे पाकिस्तानी बंदी और पाकिस्तान पटरे भारत बंदी बसिथिले। सेमानंक भितरे बापा बसिछंती आ आसीबे बोली पुओ धरि नैथिले किंतु अपेक्षा करी करी रहिले। दुई दिन परे भी बापा आसिलेनी। कर्तृपक्ष कहिले अन्य बंदी सबू घर को फेरिगले। बास सेठारु सरीगला कहानी। बापा को सांगरे न नेई पुओ फेरिले किंतु मने मने भाबुथिले बापा पाकिस्तान सीमारे थिले आसिलेनी काहेकि। 2003 मसीहार अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध पर पाकिस्तान सांगर गोटे चुक्ति हला जे बंदी देन नेने हबो। ठीक 2003 मसीहार आमर वैदेशिक मंत्री माने जी थिले माने तांका सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन से पाकिस्तान लाहौर जेल जाइथिले। से लाहौर जेल परिदर्शन करला बेले देखिले जे जणे उड़िया भाषा रे बकुछ। से कहला इटा ओडिसा लोक यार तथ्य मत दिया जाओ। से ता फोटोटा आणले आणिकि दिल्ली होम डिपार्टमेंट को देले। दिल्ली होम डिपार्टमेंट आप ओडिशा होम डिपार्टमेंट को पठेला जे तार समाज पत्रिका लेखा थिला जे ये ओडिशा लोक या मथा विकृति या समुद्र जब ओडिशा लोक कहीं जाणी था तथ्य शीघ्र आमको जनातु तेणु मुझे फटो देख सारापर आम जो पर अच्छा मो कका आम गाँव समस्त लोक जे सब अच्छे चिल्ले चिन्ह सारापर से कहले ये तो बापा तापर मुझे विश्वास कर नी मुझे देखी जो छोट मैं सात बस तुम देखा ना मो कका जो कंफर्म हो गला हाँ यही तापर मुझे होम डिपार्टमेंट गली कर भुवनेश्वर से फटो आनी आनी सारापर मुझे जोाजोग करते करते कलिकतार मु रुहे से स्वेच्छासेवी संघ जहाँ मोर जनाशुना था सी प्रणब मुखार्जी खास लोक सी मत नहीं गला दिल्ली। दिल्ली में जाकि आम वैदेश मंत्री दफ्तर प्रतिरक्षा मंत्री दफ्तर विदेश सब कम हो सारापर आमको तथ्य दे हाँ लाहौर जेल से अच्छा अमुक डेट्रे छड़ा आमको भी खबर दे आम कौन बाघा बड़ जल्दी छाड़े जो दिन बंदी छाड़ा कथा सतुरी जन बंदी पाकिस्तान छाड़ला आम इंडिया भी सतुरी जन छाड़ला कितु आउ जो तीस जन बंदी आसते से छाड़े ना से अधा बाटर फेरी नहीं गले। से देखिले जो इंडिया भारत हाइलिंग चलती मैंने एमती साधारण बंदी छाड़ने किसी कथ नहीं जो आर्मी बंदी जन आस मैंने देश विरोध हम ना तापर निराश फेरनी आ दिन गढ़ी चलिला। एबे भी भाई पुओ आउ बहु अनेई बसिछंती आनंद को मृत कि जीवित सेतिकी भी जानि नहंती। तथापि कुहा जाए आशा हेउछि बैतरणी नदी तेणु सेमाने अपेक्षा करिछंती केबे किछि सूचना देबे सरकार। जदि मृत तेबे अंततः तांकर अंत्येष्टि क्रिया तो करिपरिबे आउ जदि जीवित ताहेले आनंद को भारत फेराई आनिबार व्यवस्था करा जाउ एई दाबी रखिछंती परिवार लोके। तबे एही सब घटना को बाद देले आउ एक घटना मध्य आम आखि सामना को आसी ताहा हेला 2003 मसीहा फेब्रुआरी 7 तारीख रे खबर कागज रे आनंद को फोटो देखिबा परे से पाकिस्तान रो लाहौर जेल रे बंदी थिबा जणा पडिथिला। सेही दिन ठारु आनंद को मुक्ति पाई उद्यम जारी रखिछंती तांको पुओ विद्याधर। एने प्रधानमंत्री को ठारु आरंभ करी भारत सरकार को विभिन्न विभाग को चिट्ठी मध्य लिखिछंती एपरिकी आनंद को मुक्ति पाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से समय वैदेशिक मंत्री को चिट्ठी लिखिथिले। एहा भितरे आनंद निखोज हेबार 55 वर्ष बीतीगलाणी हेले से केउठी अछंती केमिति अछंती से नै वैदेशिक मंत्रालय पाखरे कौनसी सठिक तथ्य नाही। लाहौर जेल रे थिबा बेले 2006 मसीह आनंद को फोटो रे नसीम गोपाल नामक जणे बंदी को नाम रहिथिला। एही सूचना देइथिला वैदेशिक मंत्रालय। एबे परिवार लोके कहउछंती जे आनंद को मानसिक विकृति पई तांको नाम से भूल कहु थाई पारंती किंतु तांको फोटो आनंद को भली देखा जाउछि। आउ एबे पर्यंत जदि आनंद जीवित तेबे युद्ध बंदी को पाकिस्तान सरकार मुक्त करंतु बोली दाबी करिछंती परिवार लोके। भद्रकरु नरेंद्र सामल को रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।